कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है, वायुमंडल गर्म होने की विधियां क्या है। तो हमने कहा देखो वायुमंडल जो है वो दो तरह से गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होता है और वायुमंडल गर्म दो विधियों से होता है। तो वायुमंडल दो विधियों से गर्म होता है तो वो कौन सी विधि है जिससे वो गर्म होता है। पहला तो जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आती हैं तो आते समय वो क्या करती हैं, वायुमंडल से होकर आती हैं। जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं तो पृथ्वी पर आते समय वायुमंडल से होकर आती हैं। जब वायुमंडल से होकर आती हैं इसके द्वारा भी वायुमंडल गर्म होता है। दूसरा विधि यह है कि जब वही पृथ्वी गर्म हो जाती है और सूर्यास्त हो गया हो, पृथ्वी गर्म हो गई हो और सूर्यास्त हो गया हो, तो रात के समय क्या होता है, पार्थिव विकिरण होता है। पार्थिव विकिरण का तात्पर्य यह है कि वही किरणें पृथ्वी के अंदर से भाप के रूप में निकलती हैं और कहां चली जाती हैं, वायुमंडल में। कहां चली जाती हैं, वायुमंडल में चली जाती हैं। तो इससे भी पृथ्वी, इससे भी वायुमंडल गर्म होता है। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जब सूर्य से निकलने वाली किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं तो वो किरणें वायुमंडल से होकर आती हैं, इस तरीके से पृथ्वी वायुमंडल गर्म होता है। दूसरा हमने क्या बताया कि जब सूर्यास्त हो जाता है वही सूर्य की किरणें पृथ्वी के अंदर से भाप के रूप में बाहर निकलती हैं और सीधा चली जाती हैं वायुमंडल में, इस तरीके से वायुमंडल गर्म होता है। हम आशा रखते हैं ये जो 5 क्लास के बच्चे हैं बड़े अच्छे लेवल से क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपटीशन ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण अपना दिमाग लगा रहे हैं, ऐसे लगाते रहें, मैसेज करते रहें, हम क्वेश्चन का हर कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।